सो जेन एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी सभी बढ़िया, बेहतर और डेफिनेटली अच्छे हो के शेयर करने वाले के इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में। बेसिकली इंडियन नेवी SSR और MR का जो फॉर्म फिलअप का कल लास्ट डेट है, और मैंने पहले सरकारी रिजल्ट चेकआउट किया था, बट वहाँ पे क्या है सर कि अपडेट ही नहीं है, मतलब अपडेटेड ही नहीं, उन्होंने खैर डेट ही नहीं एक्सटेंड करी। एनीवेज मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ, जो नंबर ऑफ फॉर्म के नंबर है वो भी शेयर कर देता हूँ आप सभी के साथ में। तो पहले तो जिनको भी इंडियन नेवी SSR का फॉर्म फिलअप करना है उनके लिए कल लास्ट डेट है, और फॉर ईयर का इन्फॉर्मेशन 100% परफेक्ट है कि अपडेट एक्सटेंड नहीं होगी, ठीक है? तो लास्ट डेट है आज की रात में, जिसे फॉर्म फिलअप करना है कर लीजिए, नहीं तो नेवी का वेबसाइट है नहीं चलेगा। ओके, एक नंबर। दूसरा नंबर, कैंडिडेट हैव डाउट्स लाइक कि भैया हम करेक्शन कब कर पाएंगे। सो सेकेंड चीज़, करेक्शन के लिए इंडियन नेवी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखे हैं, ऑलमोस्ट आपको 72 आवर और का टाइम दिया जाएगा, मतलब कि लगभग 3 दिन का समय दिया जाएगा करेक्शन के लिए फॉर्म फिलअप कंप्लीट होने के बाद। ओके, तो हो सकता है ये कल जैसे फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो तो आपका 6 तारीख से 6, 7, 8 कंप्लीट स्टार्ट हो जाए, या फिर 7, 8, 9 ना भी अपडेट करेगा। मैं आप सभी को टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पर आप सभी आई होप अपडेटेड होंगे, नहीं होंगे तो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा, वहाँ पर मैं आप सभी को काफ़ी सारा रिलेवेंट कंटेंट स्टडी रिलेटेड प्रोवाइड कराता रहता हूँ, और काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन आती है वो भी मैं आप सभी के साथ में शेयर करता रहता हूँ, ठीक है? ये चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ ये हुई हो गई, ठीक है? अब जो लास्ट पॉइंट आप सभी का आ रहा था फॉर्म फिलअप को लेकर, कि नंबर ऑफ़ फॉर्म कितने फिल हो चुके हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं, 30K लोग अपन वहाँ पर भी हैं। तो हाँ, लास्ट कितना फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, तो देखो सिंपल सा रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस पे हो जाता है। फिलहाल के लास्ट अगर बात करूँ, जब से इंडियन नेवी का एज अग्निवीर पोस्ट आया है, तब ये चीज़ हो गई। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ फॉर्म्स की, कितने नंबर ऑफ़ फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो मैटर क्या करता है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस पे हम चीज़ों को जज कर लेते हैं। तो सुबह की बात करते हैं, लगभग 11:30 बजे जो फॉर्म फिलअप थे वो 4,05,000 थे, मतलब लगभग अगर बात कर लेते हैं टोटल जो नंबर ऑफ़ फॉर्म फिल होने वाले हैं 4.5 लाख। जब से आपका ये अग्निवीर आया है तब से बहुत ज़्यादा नंबर है। पिछली बार 2.50 पे फिनिश हो गया था, इस बार थोड़े से नंबर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है? और अगर MR की बात कर लेते हैं, हो सकते हैं काफ़ी सारे कॉमन कैंडिडेट हो MR पे भी, मतलब 4.5 लाख। अब आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कल फॉर्म फिल करेंगे, पुराना रजिस्ट्रेशन उन्होंने कर रखा होगा, पेमेंट करेंगे फिर कहेंगे भैया देखो 60,000 ही फॉर्म फिलअप हुए हैं। सर, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अब नया रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको 4 लाख से ज़्यादा ही फॉर्म फिलअप के नंबर मिल जाएंगे, ठीक है? पहला नंबर। दूसरा नंबर, अगर MR की बात कर लेते हैं, अभी शाम के 3:30 या 4 बजे की बात है, 2,10,000 फॉर्म फिलअप MR पे भी हो चुके हैं, क्योंकि इतना केवल लास्ट टाइम SSR पे हुआ था। तो इस बार थोड़ा अच्छा खासा कंपटीशन भी होने वाला है, फैक्ट है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। हाँ, तो यहाँ पे मान सकते हो 4.5 लाख, यहाँ पे मान सकते हो 2.5 लाख। लेकिन एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो ये फॉर्म फिलअप के नंबर होते हैं, इसमें से काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो केवल रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, फ़ी वगैरह नहीं पे करते हैं, और रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे हम उन चीज़ों को काउंट करते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पर ही हमें पता चलता है कि कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो फिर भी आप मान सकते हैं कि लगभग 50,000 लड़के ऐसे होंगे कि चलो ऐसा कोई वेल्ले होते नहीं है, बट फिर भी मान लेते हैं कि लगभग 4 लाख कैंडिडेट यहाँ पे इस पर SSR का फॉर्म फिल करने वाले हैं, और वहीं में से 2 लाख कैंडिडेट MR का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, ठीक है? ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। ओके, नेक्स्ट एक चीज़ और बचती है, नेवी एग्ज़ाम के लिए अपना कंप्लीट बैच चल रहा है। पहली बार ऐसा कुछ बैच वगैरह किया है, बट काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है कैंडिडेट का, कि अपनी क्लासेस बिल्कुल बेहतर चल रही हैं, हमने ऑलमोस्ट 50% सिलेबस भी कम्प्लीट कर लिया है। अभी भी कैंडिडेट टाइम बहुत कम है, टाइम ज़्यादा नहीं है। फीस जो है वो क्या है, क्या कैसा है मैं बता देता हूँ। फ़ीस ज़्यादा भी नहीं है, फ़ीस 349 रुपीज़ रखी है मैंने इसके लिए। क्या क्या अच्छा मिल जाएगा यहाँ पे आपको, पहला नंबर तो मैं 20 मॉक टेस्ट देने वाला हूँ। अभी ये सीरीज अपनी स्टार्ट हो रही, 5 तारीख होने जा रही है, इसके बाद हम 20 तारीख से, मतलब 10 से स्टार्ट कर देंगे, लगभग 27-28 तक डेली एक एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे विद फुल सॉल्यूशन, ठीक है? वहाँ पे चारों सब्जेक्ट आपको होंगे। अगर कोई मॉक टेस्ट भी 20 करता है तो उसका फीस हो सकता है 250 या 200-300 रुपये हो सकता है, लेकिन अपन क्या है आपको कंप्लीट इंग्लिश की क्लासें दे रहे हैं, कंप्लीट मतलब इंग्लिश जो पेपर में नेवी में आता है, ठीक है? साथ में उसकी PDF, उसके साथ में साइंस के लिए गाइडेंस और साइंस के लिए स्टडी मटेरियल, साइंस के लिए मतलब PDF रिलेवेंट कहाँ से कर सकते हो वो, मैथ्स का आपका कंप्लीट गाइडेंस कहाँ से कर सकते हैं वो, उसके लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कुछ नहीं पे करना होगा। दूसरा नंबर वो स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड के लिए होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर, आपको मैं GK GS कंप्लीट करवा रहा हूँ और रीजनिंग भी करवा रहा हूँ, मतलब आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आप एज अ मेल कैंडिडेट हो, फीमेल कैंडिडेट हो, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकेंड किसी भी चीज़ के लिए,
एनी क्वेरी डेफिनेटली यू कैन आस्क मी हियर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है नीचे, या फिर ये मेरी टेलीग्राम आईडी है @AnshuSingh2, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज का रिप्लाई हम करेंगे, तुरंत का नहीं पता बट डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ज्वाइन करने के लिए आप इस QR कोड पे पेमेंट कर सकते हैं और मुझे नेम नंबर और पेमेंट के साथ में भेज सकते हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। टेलीग्राम पे अपनी प्राइवेट क्लासेस चल रही हैं, ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हैं, क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यही सारे के सारे डाउट थे जो कॉमन से कैंडिडेट के थे, ठीक है। तो मैंने कहा चलो आप सभी को साथ में शेयर कर देते हैं, वो चीज़ मैंने यहाँ पे शेयर कर दी है। फिर भी अगर कोई डाउट आपका बचता है तो डेफिनेटली आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।